एक जानिब मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है, दूसरी जानिब बदीन इंतजामिया जिम्मेदारियों से आ रही है। बदबूदार हवा, गंदगी से अटा रास्ता हर रोज तलबा को स्कूल जाने पर इस्तकबाल करता है, जिससे वालिदैन और मुस्तकबिल के मेहमान दोनों परेशान हैं। बदीन एक्साइज कॉलोनी जिला इंतजामी के दम तहजी के बायस झील जैसा मंजर पेश करने लगी है। गंदे पानी के बायस न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि बच्चे बूढ़े सभी बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं बदीन में नुमाइंदा फैज टीवी अता मोहम्मद गारी की ये रिपोर्ट। एक जाने मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी तो दूसरी जाने बदीन इंतजामिया जिम्मेदारियों से आ रही। बदबूदार हवा, गंदगी से अटा रास्ता हर रोज तलबा को स्कूल जाने पर इस्तकबाल करता है, जिससे वालदीन और मुस्तकबिल के मेहमान दोनों परेशान हैं। यहाँ पर जंगली जानवर जहाँ में सांप वगैरह पता नहीं क्या क्या है, और यहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो हमें मजबूरन उनको कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं होती। और मुसलसल ये बेचारे बच्चे इस हालत में शहर जाते हैं, कोई भी सामान लेना होता है तो इस हालत में जाते हैं। अब आप इस कॉलोनी की हालत खुद देख सकते हैं कि ये कितनी जबूनी हालत में कॉलोनी पड़ी है, जिसमें दो महीनों से मुसलसल पानी भरा पड़ा है। इसमें कोई ड्रांच का सिस्टम नहीं है, दो महीनों से इस कॉलोनी में लाइट नहीं है। बदीन एक्साइज कॉलोनी जो कि जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस झील जैसा मंजर पेश करने लगी। लोगों के घर गोया कच्चा दिखने लगी, बच्चे बूढ़े बीमारी में मुबतला। गंदे पानी के बायस न सिर्फ तो तफन फैल रहा है बल्कि मक्खियों को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। वहाँ के लोगों का कहना है ऐसी एक्साइज कॉलोनी जिसमें दो महीनों से मुसलसल पानी भरा पड़ा है, और जो यहाँ के MPA MNA हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो आवाम है वो किस हालत में पड़ी है। हम दो महीनों से मुसलसल इस गंदे पानी में आ जा कर रहे हैं, और यहाँ पर जंगली जानवर जहाँ में सांप वगैरह पता नहीं क्या क्या है, और यहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो हमें मजबूरन उनको कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं होती। और मुसलसल ये बेचारे बच्चे इस हालत में शहर जाते हैं, कोई भी सामान लेना होता है तो इस हालत में जाते हैं। अब आप इस कॉलोनी की हालत खुद देख सकते हैं कि ये कितनी जबूनी हालत में कॉलोनी पड़ी है, जिसमें दो महीनों से मुसलसल पानी भरा पड़ा है। इसमें कोई ड्रांच का सिस्टम नहीं है, दो महीनों से इस कॉलोनी में लाइट नहीं है। यहाँ के अहले इंतजामिया से हमने कितनी रिक्वेस्ट की है कि आप लोग प्लीज हमारे इस जो गंदी हालत में पड़ी हुई कॉलोनी है इसके लिए कुछ करें। वहाँ के लोगों का कहना है कि इंतजामिया होश के ना खुल ले और यहाँ के रहने वाले लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करे। कॉलोनी को कचरा कुंडी बनाने का अमल काबिले मजम्मत है, आला हकाम मामले का नोटिस लें। अता मोहम्मद गारई, फेस्टिव न्यूज़, बदीन।